नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी साधना के बारे बताऊंगा जो नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। तो इस साधना का नाम है पांच बावरी पूजा साधना। तो दोस्तों, पांच बावरी में आते हैं बाबा सबल सिंह, बाबा केसरमल, बाबा नथमल, बाबा हरि सिंह और बाबा जीत सिंह बावरी। तो पांच बावरी पूजा साधना में इन बाबाओं की साधना होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। पांच बावरी पूजा साधना। कोई गलती हो तो नादान बालक जान के माफी। यह साधना आप गुरु अनुसार पूछकर करें तो बेहतर फल मिलता है, क्योंकि गुरु बाबा की सवारी अपने चेले को देकर इस साधना का ज्ञान देता है। या जिस सेवक को देव की सवारी आती हो वो ही इस साधना को बाबा की सिद्धि के लिए करे अथवा नहीं। मंत्र कोई भी आसन में पूजा जगह पर बैठकर जाप करें, अपनी सीमा अनुसार या 108 बार भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप गुरु अनुसार पूछ कर करें तो बेहतर फल मिलता है दोस्तों। पांच बावरी में आते हैं सबल सिंह, केसरमल, नथमल, हरि सिंह, जीत सिंह बावरी की पूजा साल के भादवा मतलब अगस्त के महीने में पूर्णिमा से 41 दिन तक और ज्येष्ठ के महीने में यानी मई महीने में पूर्णिमा से 41 दिन तक की जाती है। इस पूजा में भगत बाबा को अपने अपने घर के हिसाब विचार से नाम लेकर पूजा करते हैं। इसके लिए आपको बस मंत्र में अपने देव का नाम जोड़ना है, सबल सिंह, केसरमल, नथमल, हरि सिंह, जीत सिंह बावरी। इस मंत्र में आपकी जानकारी के अनुसार बावरी पूजा विधि काफी भगत जानते हैं और गुरु अनुसार बताते भी हैं। मंत्र यह भी है और वो भी है। कहा जाता है कि एक जगह जाने के 100 रास्ते और बाद मंजिल पर जाने की। कहते हैं दोस्तों, एक जगह जाने के 100 रास्ते होते हैं, लेकिन रास्ता कोई भी हो वो मंजिल तक पहुंचना चाहिए। यह मंत्र आप साधना काल में हुक्का देते हुए आसन पर बैठकर सामने घी या तेल की जोत लगाकर जाप करें। अपनी सीमा अनुसार या 108 बार भी कर सकते हैं मंत्र जाप। हुक्का 2.5 लोग का दे। बाबा को मंत्र जाप आपको दिन में 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम। साधना काल में आखिरी दिन रात को आपको बाबा के नाम से कढ़ाई बोतल का भोग देना है। हमारे एक भाई ने यह मंत्र शेयर किया था दोस्तों मुझे ईमेल में, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओम नमो लाल चौकी पचरंग पाया, गोड़ बंगाले ते केसर मर बावरी आया, झीनी झीनी कंकरी मीनी मीनी चाल, लाल नरी की जूती पैरे हो घोड़े सवार, 56 जादू तेरे आगे चाले, 56 जादू तेरे पीछे, भूत प्रेत सब पानी भरे, शेड़ो श्याम को और गंदली तीनों बहन तेरे साथ चले, मारा सेवादार तेरी गेल चले, तू क्यों ना चले रे केसरमर बावरी, मेरे शब्द पे दुखिया की मदद पे, ना चले ते नागे गुरु आन, ना चले ते इस्माइल जोगी की आन, ना चले ते गुरु गोरखनाथ की आन, सतनाम आदेश आदेश गुरु को। साधना विधि। आप साल का भादवे के महीने या ज्येष्ठ के महीने की पूर्णिमा से यह पूजा बावरी बाबा के नाम से नेम उठाकर करें, जिसमें आप कितने दिन की सेवा कर रहे हैं ये बोले। फिर अब आप प्रथम कोई साफ जगह में जहां आप 5 आग के उपले के टुकड़े आग जला के बाबा को भोग दे, यानी दोस्तों 5 आग के उपले ले लीजिएगा और उनके 5 टुकड़े कर लीजिएगा और आग जला के बाबा को भोग दें। पाए आप भोग के लिए आप रोज 5 लड्डू दे सकते हैं या 41 लड्डू एक बार ले लें, जिसको आप पूजा काल में भोग के लिए लेते रहें। साथ में एक बोतल देसी दारू। रात को 12 बजे भोग के लिए आप कुछ टुकड़े एक ढक्कन में देसी दारू रात को 12 बजे भोग दे। आपको भोग 2 बार देना है, सुबह और रात। साधना काल में आप जो भी खाएं उसका प्रथम भोग बाबा को दे।
फिर कुछ खाए, जमीन पर सोए। काम वासना के किसी काम का परहेज करें, मतलब कुछ भी हो, देखना सोचना करना। मेरी अपनी जानकारी अनुसार यहाँ भावरी पूजा विधि काफी भगत जानते हैं और गुरु बनके या अपनी जानकारी अनुसार बताते भी हैं। मंत्र यह भी है और मंत्र वो भी कहा जाता है। एक जगह जाने के 100 रास्ते, बात मंजिल पर जाने की। कोई और आसान या साधना विधि मिले तो मेरे भाई लोगों का भला होगा। आओ आगे भला करो, बाबा आपका और मेरा सबका भला करेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी, और ये जानकारी भाई मेरे एक दोस्त ने मुझे दी है। ठीक है दोस्तों, तो वो दोस्त भी मतलब इनकी चौकी लगाता है, जो कि है राजस्थान के हनुमानगढ़ से। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। तो दोस्तों थोड़ा उन्होंने मुझे ईमेल भेजी थी तो लिखने में थोड़ा उनका प्रॉब्लम हो गया, तो माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।